नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बयान दिया और कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन भाजपा में वह बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में लौटकर आना ही होगा, उन्हें आज नहीं तो कल ये बात समझ में आ जाएगी कि बीजेपी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएगी। ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, क्लियर कट, तलाश जिसकी रही उम्र भर वही न मिला। ठीक है, बिछड़ के मुझसे मेरा यार फिर कभी न मिला। मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है। चुभी रह गई जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक वो समझ जाएंगे। कसक ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल दिल की दिल में चुभी रह गई, क्लियर कट, तलाश जिसकी रही उम्र भर वही न मिला। तो राहुल गांधी ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह बयान दिया है और इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से गुर्रज शेख फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फिरोज जी, आपका रुख करते हैं, राहुल गांधी ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो बयान दिया आपने भी सुना ही होगा, आपकी प्रतिक्रिया। तो राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बयान दिया और कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। लगभग एक साल का समय बीत गया है, एक साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह पड़ी जो राहुल गांधी को अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आए और उन्होंने कहा कि भाजपा में सिंधिया बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में लौटकर आना ही होगा। मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ। तो चलिए, बीजेपी से हमारे साथ गुलरेश शेख फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुलरेश जी, लगभग एक साल का समय बीत गया है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए और उसके बाद अब अचानक से राहुल गांधी ने यह बयान दिया, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे बयान पर? देखिए, राहुल गांधी को कोई पूछ नहीं रहा है। पूरा जो मीडिया केंद्रित है आज के समय वो पश्चिम बंगाल पर है। राहुल गांधी कभी दंड बैठक लगा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नदी नाले में कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हो एनीवे वो उनका लुकआउट है। तो कहीं से भी अपने मीडिया की जो मीडिया की जो अटेंशन है उसको अपने तरफ खींचने के लिए इस प्रकार के लोग बयान देते रहते हैं, लेकिन इन बयानों में वास्तविकता नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी की एज का कोई भी व्यक्ति हो जो उनसे ज्यादा मैच्योर्ड हो, उनसे ज्यादा कैलिबर वाला हो, उदाहरण के तौर पर मैं सचिन पायलट की बात करता हूँ, उसको कभी भी ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उसका स्टेटस इतना नहीं करेंगे कि कल से वो राहुल गांधी की या प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की पोजीशन को चैलेंज करने की स्थिति में आए। तो ये सब बेमानी सी बातें हैं, केवल मीडिया की आईज लेने के लिए है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सही कहा उन्होंने भी, सिंधिया जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने देखिए बड़ी शालीनता के साथ सिंधिया जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब सोचते तो बात थी, और जब नहीं सोचना था उनको, अगर सोचते होते तो सचिन पायलट की स्थिति ऐसी सुरक्षा करते क्या? जी गुलरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। फिरोज जी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आपने भी सुना होगा, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, जो दिया है वो बयान उन्होंने सही कहा है कि सिंधिया जी जैसे योग्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने बैक बेंचर बना दिया है। अब कांग्रेस में थे तो
फ्रंट लाइनर थे, लेकिन वहां जाके बैक बेंचर हो गए। तो उन्होंने सही बात कही है कि ले तो गई भारतीय जनता पार्टी उनसे, लेकिन अब सहिष्णु बन नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और इसी की वजह से जो है सिंधिया जी जो है आजकल अपसेट रहते हैं, मायूस रहते हैं, ऐसा हमको जानकारी है। तो ठीक है, अब वो सिंधिया जी को सोचना है, उन्होंने वो जिस पार्टी में गए हैं उनको सोचना है कि उनको क्या करना है, और भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि उनके लिए क्या कर सकती है। जी फिरोज जी, अगर बैक वेंचर बनकर अगर बीजेपी में रह गए हैं तो कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या थी? देखिए, कांग्रेस में जो छोड़ने की वजह थी ये तो सिंधिया जी बताएंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन की राजनीति, दूसरा भारतीय जनता पार्टी समझेगी कि उन्होंने क्यों छोड़ा। जहां तक राहुल गांधी ने उस बात को भी स्पष्ट कहा था कि आप आगे चल के आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी आप कार्यकर्ताओं के बीच रहें और संघर्ष करें, और कार्यकर्ताओं के बीच रह के संघर्ष करें पार्टी के लिए। तो अगर और यदि कोई युवा का नाम होता पार्टी का तो सिंधिया जी हमारे मुख्यमंत्री होते, लेकिन पार्टी ने तय किया कि सबसे वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, तो कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। और जिस सम्मान की बात करते थे कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस में उनको किसी ने पूछा नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी में पीछे की बेंच पे बैठते और ताली बजाते, वो ये सम्मान रह गया उनका, वरना कांग्रेस में थे तो मंच पे बैठा करते थे। फिरोज जी बने रहिए, जी फिरोज जी बने रहिए, बीजेपी से भी हमारे साथ गुलरेज शेख जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुलरेज जी, आपने सुना होगा फिरोज जी कह रहे हैं कि बैक बेंचर बन गए हैं, राहुल गांधी ने सही कहा, बीजेपी में रहकर सिर्फ पीछे बैठकर तालियां ही सिंधिया बजा रहे हैं। नहीं, ताली तो इनकी बजा दी ना उन्होंने, खुद कहा ताली बजा रहे हैं, उन्होंने तो कमलनाथ की और राहुल गांधी की ताली बजा दी अच्छी तरह से, अब इनको ताली बजाने का लायक छोड़ दिया उन्होंने। जहां तक बात है, देखिए हम निष्पक्ष होकर दलादली से ऊपर उठ के यदि एनालिसिस के रूप में भी बात करें तो आप देखिए कि चलिए उनको ये नहीं बनाया था मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया था तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बनाते, उनके खेमे की बार बार यही डिमांड थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो यहाँ तक कि जब राज्यसभा के नॉमिनेशन की बात चल रही थी उसमें भी उनको तरजीह नहीं दी जा रही थी। क्यों नहीं दी जाती? ताकि क्योंकि एक ऐसा चेहरा था जो लोकप्रिय चेहरा था, जिसको दिखा दिखा के आप लोगों के वोट पे ले लिए थे, लेकिन जब उसको इज्जत देने की बात आई तो आपने इज्जत नहीं बख्शी उसको। तो ये सब चीजें जो है ना कांग्रेस में बहुत पहले से चलती आ रही है और हर जगह आपको दिखेगा। देखिए आप, इन्होंने हरियाणा में सवर साहब उठ रहे थे, सवर साहब को ग्राफ डाउन कर दिया, यही चीज इन्होंने संजय निरुपम के साथ की। तो आप सभी को देखिए, एक एक करके आप प्रांत पर प्रांत उठाते जाइए, यंग लोगों को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, ना दिया जाता है, क्योंकि उनके पास एक तथाकथित 50 साल का युवा है जो बड़ा नहीं हो रहा, जो मैच्योर नहीं हो रहा और जो सीरियस भी नहीं है। फिरोज जी, आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या वजह है जो यंग लोगों को जगह नहीं दी जा रही है? कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिल रही है कांग्रेस में? गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, और ये राहुल गांधी जी की बात कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं इनके पास भी एक 70 साल का बच्चा है जो सिर्फ जुमले देता है, काम नाम नहीं करता, 100 रुपए का पेट्रोल देता है लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ है, हमारी तो नहीं है। और जो युवाओं का देने का सवाल है तो सिंधिया जी इस लेवल तक आ कैसे गए कि मुख्यमंत्री बन जाए वो और मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाए? मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता पार्टी में, कांग्रेस में, लेकिन सिंधिया जी हो सकते थे। तो वो किस लेवल पे, राहुल गांधी जी ने ही उनको बढ़ाया था आगे, ये तो उनकी जल्दबाजी, उनकी हड़बड़ी, उसने उनको जो है उनको कहीं का नहीं छोड़ा, ना वो कांग्रेस के बचे ना बीजेपी के बचे। और इतनी तारीफें कर रहे हैं कि हमारे उनके कहने से वोट बरसते हैं सिंधिया जी के। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह देता हूँ, शिवराज जी बहुत पुराने मुख्यमंत्री हो गए हैं, अब 16 साल तक क्या एक ही मुख्यमंत्री रहेगा? सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना दे वो भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस तो कहती है बनाइए आप उनको सिंधिया जी को। वैसे भी कांग्रेसी तो बचे ही हैं भारतीय जनता पार्टी में, अब तो आयातित कांग्रेसी बचे, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो गई कब की। गुलरेज जी जवाब, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है? देखिए क्या है कि चाहे हमारे फिरोज भाई हो या राहुल गांधी हो, उनकी जगह पर हमारे पीछे जो आशीर्वाद है उसकी शक्ति को ही समझ नहीं सकते, इसीलिए इस प्रकार की बेतुकी बातें करते हैं। वो आशीर्वाद की शक्ति को वही समझ सकता है जो इस संगठन में होता है। व्यूवर्स से बहुत सारे समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ।
जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी की, देखिए ये हमारा इंटरनल मामला है और हम वो हमसे बहुत खुश हैं, हम उनके साथ बहुत खुश हैं, इनको फिलहाल दिल देख देख के हो रही है तो होने दीजिए इनको, लेकिन वास्तविकता यह है थोड़ा कड़वी बात है, लेकिन दोनों भाई बहन राहुल गांधी हुए या प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा हुए, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, इट्स हाई टाइम दे मस्ट गेट अप एंड दे मस्ट वेक अप एंड इट्स बिकम पार्टी। जी बिल्कुल जी जी गुडेश जी और फिरोज जी, इस पूरे बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दो शब्दों में सिर्फ अपनी बात कही है और ये भी कहा कि उस वक्त राहुल गांधी को मेरी चिंता क्यों नहीं हुई जब मैं कांग्रेस में था, काश ये उतनी चिंता पहले ही कर लेते। अरे भाई चिंता तो थी आपकी, जब तो आपको बुला के बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप अभी काम करिए आगे चल के आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उनका तो कहना था कि मुझे नहीं है, ये तो कमलनाथ जी को हटाओ और मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप पावर ही पावर में रहेंगे हमेशा। जब से उनका राजनीतिक जन्म हुआ तब से लेके कांग्रेस में आखिरी दिन तक वो पावर में रहे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि क्या वो मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं थे। देखिए मुख्यमंत्री मटेरियल थे, कोई भी हर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हाईकमान निर्णय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। जब ये वो होता है कि वर्ग में युवा लेना है, महिला लेना है या पुरुष लेना है, तो आज उन्हें याद कर रहे राहुल गांधी, तो उन्हें आज याद कर रहे वापस, हम बिल्कुल याद नहीं कर रहे। वो युवा संवाद था, युवा संवाद में वो अपने युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे और बता रहे थे कि जो सम्मान है वो अपने ही दल में मिलता है, जिस दल में हमारी पैदाइश होती है, हमारा दल जिस दल में हम पैदा हुए होते हैं वही दल हमको आगे बढ़ाता है और चिंता करता है, और वही चीज वो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिंधिया जी का उदाहरण दिया है इसमें। वो भारतीय कांग्रेस में थे, बने रहिए हमारे साथ, आपको रोकना चाहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, क्लियर कट, तलाश जिसकी रही उम्र भर वही न मिला, ठीक है, बिछड़ के मुझसे मेरा यार फिर कभी न मिला। मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप, चुभी रह गई जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक वो समझ जाएंगे, कसक ये कसक, कसक ये कसक, ये कसक दिल की दिल जी। तो ये पूरा बयान राहुल गांधी ने दिया और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी और कहा कि काश राहुल गांधी ये बात पहले कह जाते तो मैं शायद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में नहीं आता। गुलरेश शेख बीजेपी से और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेश जी आपका रुख करते हैं, आपने सुना फिरोज सिद्दीकी जी बोल रहे थे, अपनी बात कह रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस में हुई थी अगर वो रहते तो शायद वो मुख्यमंत्री बन जाते। देखिए शायद ये सब नहीं होता है, आपने चेहरा किसी का दिखाया और समय पड़ने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, वो रखनी भी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस, देखिए उन्होंने अपने पिताजी को भी देखा, पिताजी को यही दिग्विजय सिंह जी और यही कमलनाथ जी की जोड़ी ने इस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने से रोका था, स्थिति यहाँ तक आई थी कि उन्होंने अपना खुद का अलग दल बना दिया था। तो ये इतिहास भी आप पढ़ते उठा के देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग कैसी होती है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत कह रहे थे कि क्या सिंधिया जी हमेशा राजपाट ही भोगेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तो फिर उस दृष्टिकोण से मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि राजनीतिक जन्म की और इस प्रकार की जो बातें कर रहे थे तो राहुल बाबा क्या है बचपन से संघर्ष करते आ रहे हैं जी। जो चीज एक के लिए लागू होती है दूसरे के लिए भी होनी चाहिए जी। चलिए जी, राहुल गांधी जी कब कौन से सरकारी पद पे रहे जरा पूछिए, एक आध बताए इनको कौन से सरकारी पद पे रहे राहुल, वो बहुत बाद में बने, 14 साल बाद बने, जब वो दो चुनाव जीत गए उसके बाद बने। और भैया इतने अगर सिंधिया जी अच्छे भैया इतने सिंधिया जी इतने ही अच्छे हैं तो भाई ये 16 साल पुराने मुख्यमंत्री को हटाओ, नया युवा चेहरा लेके आओ, इन्हीं की वजह से वोट मिले थे कांग्रेस को, आपको वोट मिल जाएंगे।
ये तो आपके ऊपर है, क्यों भाई एक ही मुख्यमंत्री है आपके यहाँ, क्यों एक ही मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, नरोत्तम मिश्रा है आपके, नरेंद्र सिंह जी है, थावरचंद गहलोत है, क्यों जी। चलिए आप दोनों को रोकना चाहेंगे, गुलरेश जी और फिरोज जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये पूरा बयान राहुल गांधी ने दिया, युवाओं से संवाद कर रहे थे उसी बीच उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन इस बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयान दिया और कहा कि काश ये चिंता राहुल गांधी पहले कर लेते तो शायद मैं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में नहीं आता। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।